पिछले दिनी हुई भारी बरसात ते गड़ेमारी दौरान चलियां तेज हवावां कारण फसल बर्बाद होने ते भड़के किसानां ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर घेरिया ते मंग कीती कि तुरंत गिरदावरी करवाई जावे ते नुकसान दा मुआवजा दिता जावे। जिक्र करन वाली गल है कि पिछले दिनी खराब मौसम जिथे फसलां उत्ते कहर बण बरसिया उथे जिले विच कई दूर दुराडे पिंडां विच भारी गड़ेमारी भी हुई अते चलियां तेज हवावां ने पक्कण कंडे पुजियां फसलां बिछा के रख दित्तियां जिस नाल किसानां दा वड्डा नुकसान होया है। पुत्तां वांग पालियां फसलां तबाह हो गईयां पर प्रशासन वल्लों कोई ठोस कदम ना चुके जाण ते भड़के किसानां ने डीसी दफ्तर घेर लिया अते कहा सरकार अपने कहे मुताबक गिरदावरी करवा तुरंत मुआवजा देवे जिवें चोणां विच ऐलान कीता गया सी कि कोई भी फसल खराब होण ते बिना देरी मुआवजा दिता जावेगा। पाली फसल जी है अज सिरे ते आके लाली फिरी हुई है, सुनहरी हुई है फसल, तो अज बेमौसमी इन्नी बरसात हुई है लोड़ तो वध तो नाल गड़ेमारी होने करके साडा जिहड़ा पुत्तां वांगू पाली जी फसल है वह साडी तबाह हो गई है। तो डीसी साहब को आए हैं भी ये जल्दी तो जल्दी भावें कि कहते सरकार ने भी ये कोई बयान दिता है पर असी आपदे वालों किसान जथेबंदी वालों आपका भी फर्ज निभा रहे हैं तो जल्दी तो जल्दी डीसी साहब नूं जिहड़ा ये मंग पत्र दे रहे हैं भी छेती तो छेती इहदियां गिरदावरियां करके साडे किसानां नूं इहदा बणदा जिहड़ा कंपनसेशन दिता जाए ताकि जिहड़ी अगे आउण वाली फसल है उहनूं थोड़ा जिहा आसरा लग जाए। टोटल कितना नुकसान मंनदे हो मीं कारण? साडा जिहड़ा टोटल नुकसान है 85% जिहड़ा नुकसान है वह हो चुके है। फसलों के पानी खड़ा है तो गड़ेमारी हुई है जिहड़ा बर्फ का पानी उहदे नाल हरेक चीज़ जल्दी गलती है इस करके जिहड़ी वह फसल है थले जिहड़ा सिटा लग गया वह गल जाएगा तो जिहड़ा कच्चा दाणा वह माजू हो जाएगा इस करके 85% के करीब साडा नुकसान हो